हाँ तो गाइस क्या हाल है भाइयों के, पार्ट टू में आपका स्वागत है। आप लोगों को पता ही है हम अपनी एक पुरानी स्प्लेंडर को रिस्टोर करवा रहे हैं, तो आज उसका पार्ट टू है। आप लोगों को पता ही है कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने उसके पीछे का सारा काम किया एंड हमारा काम दो दिन के लिए रुक गया बस इस पार्ट की वजह से। ये एक छोटा सा पार्ट है जो ना शोरूम में है एंड ना पार्ट्स के दुकान में, हम इसे एक कबाड़ खाने से लेके आए हैं। ये अपने को कॉस्ट तो किया 50 रुपये के अराउंड, बट इसके पीछे जो हमारा दिमाग और गाय का तेल खटा है वो मैं आपको बता नहीं सकता। खैर छोड़ो वो सब हटाओ, रिस्टोरेशन में ये सब चीज़ें होती रहती है। आप लोग सैड मत होना, मैं खुश हूँ, आप भी खुश रहो, वीडियो को पूरा एंजॉय करो। आज हम लोग सामने का फिटिंग पूरा संभालने वाले हैं, तो चलो सामने का फिटिंग को एंजॉय करते हैं, लेट्स गो। हेलो गाइस, पार्ट टू सीरीज का पहला काम जो हो रहा है वो हम अपने उस्ताद से ही जान लेते हैं। सर अभी क्या कर रहे हैं आप? रेसर का काम कर रहे हैं, अभी रेसर फिटिंग हो रहा है। जैसे ये आपका हैंडल का रेसर है, देखिए अब कैसे काम होता है आपको दिखाता हूँ। ऐसे करके इसे तेल मालिश करके यहाँ पे लगाना पड़ता है ना, सही है। अभी इसके ऊपर भी ग्रीसिंग होगा, ग्रीसिंग हुआ है, अभी बॉल बेयरिंग लग रहा है। ये बॉल बेयरिंग अभी बैठ रहा है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स बेयरिंग है, सब बैठ रहा है। समझ ही रहे हो कितना टफ है ये सब। लास्ट वीडियो में देखे थे आप लोग, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर गए थे। आज हम लोग सामने से पकड़े हैं इसको, शुरुआती काम आपको मैं दिखा चुका हूँ, आगे आगे देखते हैं अब होता है क्या। अब फाइनली वही पार्ट लगने जा रहा है जिसके लिए हमारा दो दिन के लिए काम स्टॉप हो गया था। ये रहा, बस इसके वजह से हम लोग काम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे थे यार, क्योंकि ये बहुत ही रेयर चीज़ है, ना शोरूम में है ना दुकानों पर है। जैसे कि बताया हमने कहाँ से लाया है उसे, बट फाइनली मिलने से मतलब है यार, मिल गया, अब हम खुश हैं, अब हमारा काम भी आगे बढ़ते रहेगा धीरे धीरे। आज हम लोग आई गेस सामने का हैंडल वगैरह एंड इंजन वगैरह सब कुछ फिट कर लेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें, बोर नहीं होने दूंगा, अच्छा चीज़ दिखाऊंगा आप लोग को एंड आपको सीखने को भी मिलेगा कि अगर आपके पास कोई पुराना बाइक है तो आप उसे नया लुक में कैसे ला सकते हैं। तो फाइनली अपनी ताज़ा बनी ओड सॉकर खुलने वाली है, अब इसके मास्किंग खुल रही है, अब ये फाइनली इसमें फिट होने वाला है। सामने का सॉकर भी लग जाएगा, इसे भी हमने पेंट करवा लिया था एंड इस पर काम भी हुआ था, तो इसका काम यहीं पे होता है बाजू में। दुकान का नाम तो हम लोगों को शायद पता नहीं है, बट लोकेशन अगर किसी को चाहिए दुर्गापुर में तो बता देना, सॉकर का बेस्ट काम कहाँ होता है हम लोग बता देंगे तुमको। तो चलो आप सॉकर को फिट कराते हैं। हाँ तो इसका सॉकर फिट हो गया है एंड इसका जो हैंडल एडजस्टर है वो भी फिट कर चुके हैं हम, तो देखिए दोनों फिट हो गया है। अब बारी है इसकी हैंडल की, जो हमने नया खरीदा है एंड ये अपने को कॉस्ट किया अराउंड कितना, 400 के करीब ये हमें कॉस्ट किया है। ये नया हैंडल है, जेन्युइन पार्ट्स है, हीरो होंडा से ही जो मिल गया हीरो होंडा से, हम लोग वो हीरो होंडा से ही ले आए। जो नहीं मिला यार उसका कुछ करने का नहीं है, उसके लिए हमें इधर उधर जाने पड़ा। बाय द वे गाड़ी हीरो होंडा की है, बट अभी के जो पार्ट्स है वो हीरो के हैं फॉर ऑब्वियस रीजन, जिन्हें पता है उन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता है यार मार्केट बहुत आगे चला गया है। तो चलो अब इसे हैंडल फिट करते हैं। धीरे धीरे इसके जो पेंटेड पार्ट्स है वो भी लगने लगे हैं। जो सबसे पहले लगेगा इसका मडगार्ड, यहाँ पे लगता है इसका मडगार्ड जो कि मिट्टी रोकने का काम करता है, आप लोगों को पता ही है। एंड मेरे वजह से ये फैन हमें बंद रखना पड़ रहा है, हमारे उस्ताद जी को झाड़ के गर्मी लग रहा है पूरा देख सकते हो। ठीक है यार, वीडियो के लिए थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, नहीं तो नॉइज आ जाएगा। ऐसे ही रोड के पास खड़ा हो, आप लोगों को कष्ट तो हो रहा होगा सुनने में, बट भाई से प्यार करते हो ना, प्लीज देख लो यार। चलो तो फिर आप इसके मडगार्ड को फिट कराते हैं, इसके अंदर पत्ती लगी हुई है पहले से, अब इसको वॉशर देखते हैं। इतना दूर का काम डन हो गया, अब टायर आ रहा है, आ जा, अगला टायर भी आ रहा है। इसको ना पूरा फील चाहिए, इसलिए ऐसे घुड़का के ला रहा है बाइक के टायर को भी, इसको पूरा फील चाहिए। फिर अब ये सामने वाला टायर लगने वाला है गाइस एंड ये उसका कवर है, इसे निकालते हैं फिर उस पर लगाते हैं। हर बार की तरह गाइस हम फिर कहीं ना कहीं अटक गए हैं, ये अंदर जाके फंस चुका है, इसे गोल गोल घूमना चाहिए बट ये जाम हो चुका है, अब इसे निकालने में हमारी हालत टाइट हो रही है। मीटर पिनियन बोलते हैं इसे, अभी लेके आया हूँ जस्ट खरीद के, बट ये काम नहीं कर रहा है। इसे दिखाता है मीटर, इससे वो अपना जो मीटर का एनालॉग उठता है ना वो, इससे इसका काम वही है दिखाना, बट ये इसे गोल घूमना चाहिए, बड़े भी घूम नहीं रहा है। हम लोगों ने सब रकम का जोड़ दिखा दिया निकालने के, इसको निकाल सकते हैं, बट ये है कि ये डैमेज हो जाएगा,
तो हमें डैमेज करना नहीं है इसे। देखते हैं लास्ट ऑप्शन क्या निकलता है, अभी तो इसी के पीछे लड़े हुए हैं। कहाँ चलना है इसको लेके? सौकर मिस्त्री, सौकर मिस्त्री के पास ये लोग जा रहा है अभी इसको निकलवाने के लिए। चल ठीक है भाई जाओ, तब तक हम निगरानी करते हैं दुकान का। भाई मैं आपको भैया का दुकान के बारे में दिखाऊं आपको, मेरे को नहीं लगता है कि मैंने पहले दिखाया, तो अभी दिखा देता हूँ। ये देखो बजरंगी ऑटो रिपेयरिंग, DPL एक नंबर गेट यहाँ है, इसके ऑपोजिट में है। एंड भैया का औजार भाई मेरे को बहुत पसंद है, मतलब भैया का औजार नहीं, भैया का जो काम करने का औजार है वो सब। ये देखो पूरा सेट बना के रखे हैं, बहुत भयंकर भयंकर चीज़ है। ये वॉशिंग के लिए है। चलो अभी ये लोग फिलहाल जाए एंड मैं तब तक निगरानी कर लेता हूँ। गाइस फाइनली आ गया इसका मेन, वो होल्डिंग करके कट के निकला एंड उसके बाद हमें ये फाइबर ही लगाना पड़ा। हम सोचे थे ये मेटल का लग जाता तो और अच्छा होता, क्योंकि ये सामान थोड़ा टूटने का चांस है, पर ठीक है अभी फ़िलहाल के लिए इसको यहीं से फिटिंग स्टार्ट करते हैं। इसे ले जाके हमें कटवाना पड़ा फिर जाके ये निकला, नहीं तो ये निकलने वाला नहीं था। मेहनत तो आपको दिखाई थी हम लोग कितना मेहनत किए इसके पीछे, बट ये नहीं निकला। बट ठीक है फाइबर वाले से काम चलाते हैं, टूटना तो नहीं चाहिए, अगर हम लोग विली विली मारे तो उसका टूटने का चांसेस है, बट वैसा कोई प्लान है नहीं। नो विली, नो विली, ओनली सेफ ड्राइव। देखो नो विली, हां ओनली सेफ ड्राइव, सेफ लाइफ, और प्यार से चलाइए गाड़ी, गड्ढे में मत कूदिए और हेलमेट पहन के चलाइए। सबसे इम्पोर्टेंट हेलमेट सब समय रखना है अपने पास, बाइक बाइक रिलेटेड चीज। चलान तो देखो एक दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट तो सेफ्टी है। जैसे मेरा दोस्त लोग कभी हेलमेट वेलमेट पहनता नहीं है, बट जितना दोस्त हेलमेट पहनता है वो लोग जब भी गिरा है तो बचा है हेलमेट की वजह से, तो हेलमेट पहना करो। ये है इसका कंप्लीट सेट विद ब्रेक शू, ये कंप्लीट है अब यहाँ पर लगने के लिए। लेट्स गो भाई, यही तो अच्छा बात है ना भाई, काम अटक जाता है तो बुरा लगता है। अब ये चालू रहेगा, अब इसका ये एक्सल रॉड लग रहा है, उसके बाद इसकी फिटिंग उस साइड से होगी जो कि ब्रेक का कनेक्शन संभाल देगा इधर से। तो भाई जैसा मैंने कहा था हम सामने के टायर पे काम कर रहे हैं, बट एक जगह हम अटक गए थे जो कि मतलब हमें भी पता नहीं था, तो वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हमारे उस्ताद साहब। बताइए भैया इसको क्या प्रॉब्लम है? इसका जो ये बूस होता है ये हम लोगों से थोड़ा ये हो गया था, हरा गया था, तो ये मिलेगा नहीं। ये अगर कटैया में जाते हैं कहीं जहाँ गाड़ी कटिंग होता है वहाँ पर आपको मिल सकता है, ऐसे नया में खोजने जाएगा नहीं मिलेगा। नया में आपका क्या मिलेगा, ये पुराना का जो मेक विन का होता है वो मान मिलेगा, किंतु इस मान का जो साइज है ये नहीं मिलेगा। तो इसको थोड़ा जुगाड़ करके हम लगाए हैं, ये अभी चलने लायक है। अगर बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं या नहीं मिलता है तो जहाँ पुराना गाड़ी काटता है या स्क्रैप मान मिलता है वहाँ पर जाइएगा, ये आपको मिल जाएगा। किंतु हाँ ऐसे अभी चलाना इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, एडजस्ट इसको जितना जल्दी हो सके इसको चेंज करवाना बढ़िया रहेगा। ओके मतलब ये एक टाइम के लिए आपका काम निकाल सकता है। तो जैसे अभी हम लोग फिटिंग ही कर रहे हैं तो ये हमें रोकना नहीं था, ये काम रुक जाता तो फिर ऊपर का वायरिंग वगैरह भी रुक जाता, तो इसे भैया ने अपना जुगाड़ लगा के सही कर दिया। क्योंकि देखो गाइस अभी ये वैसे भी चलने वाला नहीं है, अभी ये बस फिट है यहाँ पे, फिर तब तक मैं अगर मेरे को अगर मिल जाता है तो मैं ले आऊँगा। जैसे कि आपको पता है मैं उसके लिए भी गया हुआ था वहाँ पे, तो इसके लिए भी मैं चला ही जाऊँगा एंड वो लेके आ जाऊँगा, नहीं तो नया मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग को भी अगर किसी दिन प्रॉब्लम में फंसो तो आप नया ले सकते हो एंड पुराना का ये वाला से जो पुराना वाला होता है उससे एडजस्ट करके आप कुछ समय के लिए अपने एक सेफ पॉइंट तक पहुंच सकते हो। तो चलो गाइस अभी फ़िलहाल थोड़ा ब्रेक लिया है हमने, हम घर जा रहे हैं लंच करने के लिए, क्योंकि ये जुगाड़ हो गया थोड़ा लंबा तो टाइम हो गया, तो अब भैया को भी खाना खाने जाना है, हमें भी जाना है। तो अभी ये सब जितना भी मेस है इसे सब समेटते हैं, फिर अंदर डालते हैं इसको, उसके बाद फिर लंच के बाद हम लोग इस पे इंजन पे काम कर लेंगे। और अगर इंजन हो गया आज, अगर हो गया, देखो गाइस ये तो कहने की बात है कि हो जाएगी, पर बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। एक एक सामान के लिए हमें एक एक घंटा अपना वेस्ट करना पड़ रहा है, जो कि छोटा छोटा सामान है बट इम्पॉर्टेंट है, वो उसके बिना वो आगे काम ही नहीं बढ़ेगा। तो वो सब खोज खोज के हम लोग उसको कर रहे हैं, तो देखते हैं अगर इंजन कम्प्लीट हो जाए तो वायरिंग आज छेड़ेंगे, नहीं तो वायरिंग नेक्स्ट डे होगा। तो आज इंजन तक तो आपको मैं दिखाऊंगा ही, अगर हो गया तो। चलो अभी लंच करने के लिए फिलहाल मैं घर जाता हूँ। एक जो सबसे बड़ी खुशी की बात है, ये अब अपने दोनों पैरों पे आ चुकी है,
ये अपने पैरों पे चल के अभी अंदर जाएगी। हालांकि इस पे हम एक साइकिल का पैडल खोल के लगाएंगे तो साइकिल का काम करेगी ये, बट ठीक है यार, यही देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अब सही है, अब दोनों टायर इसका वॉकिंग है। अभी अपने पैर पे स्टैंड पे खड़ी है, सिंगल स्टैंड अभी नहीं लगा, अभी डबल स्टैंड पे खड़ी है। चले भाई लंच करने के लिए चलते हैं। चेहरा दिखा अपना व्लॉग में, कैसे ले तेरे को? ये देखो इसको भी बहुत एक्साइटमेंट है, ये कब रेडी होगा। हालांकि जो जो मुझे जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, उसको पता होगा इस बाइक के साथ कितने इमोशंस एंड मेमोरीज है, तो सारे ही एक्साइटेड हैं। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। देखो मेरा दोस्त, वो भी मेरे साथ सुबह से शाम तक रहता है, कहीं पे भी जाना होता है तो वो जाता है। तो यही है यार, मिलजुल के काम कर रहे हैं, सबको पता है ये बाइक कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो बस उसी पे लगे हुए हैं। जितना जल्दी हो सके इसे बहुत सुंदर करवा के घर ले चलते हैं। हाँ तो गाइस, कल आपने देखा था हमने इंजन का काम स्टार्ट करने वाले थे, हम फिर हम लंच करने चले गए थे, तो कल रात को बारिश बहुत हो गया है, कुछ सामान लाने थे जो हमें मिले नहीं, तो हम काम को स्टॉप कर दिए थे। आज नेक्स्ट दिन सुबह उठते ही मैं चला गया था सामान लाने, जो कि यहाँ पर रखा हुआ है। अब तुम्हें दिखाता हूँ एक एक करके, जो मेरे को टोटल कॉस्ट किया अराउंड आपका 4100 के करीब, 4130 रुपीज़ के करीब मेरे को कॉस्ट किया है, 3100 के करीब कॉस्ट किया मेरे को, जिसमें से कि इतना कुछ सामान लाया हूँ मैं, जिसमें आपका फुट पैक्स, हेडलाइट, बैक लाइट, स्पीडोमीटर, ब्लिंकर, फ्यूल पंप, हॉर्न, साइड स्टैंड और एक्सलेटर केबल, ब्रेक केबल, क्लच केबल, स्पीडोमीटर केबल, एयर फिल्टर एंड चेन कवर। तो ये सब सामान अभी लेके आया हूँ, जो कि मेरे को कॉस्ट किया 4130 रुपये। हाँ तो गाइस, लास्ट क्लिप में आपने देखा था कि हम सारे पार्ट्स लेके आ गए थे, जो भी फाइनल पार्ट चाहिए था हमें, तो अब लंच करने के बाद हम वापस आ गए हैं यहाँ पे। एंड यहाँ आते साथ हमने देखा कि इसका एयर फिल्टर बॉक्स फिट हो चुका है एंड वायरिंग का भी काम स्टार्ट हो गया है। इसके ये कम्प्लीट होते ही हम लोग इंजन को चढ़ाएंगे इस पर, इंजन भी यहाँ पर आके रेडी है, तो अब इसे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। इसका एयर फिल्टर कवर तो लग गया है यहाँ पर, जो बॉक्स होता है अंदर का कवर वगैरह लग जाएगा एंड वायरिंग भी कंप्लीट होने को है, मतलब ये बिछ जाएगी। अब धीरे धीरे सबका प्लग एक एक करके सबका कपलर फिट होगा, ऐसे कर करके सबका अलग अलग कपलर है, इंडिकेटर का, ब्रेक लाइट का, ब्रेक वगैरह, हेडलाइट स्विच, सब सब एक साथ है। जैसे ये हेडलाइट का पूरा गुच्छा है, इसमें से एक एक चीज़ निकल के हेडलाइट का कनेक्शन जोड़ेगा। तो चलिए अब इसे हम स्टार्ट करते हैं, अब इंजन का, इंजन लगाने का प्रोसेस सबसे पहले दिखाते हैं आपको वायरिंग होते ही। सिनेमैटिक्स में आपने देख ही लिया, हमने इंजन को फिट कर दिया है फाइनली। अब इसके जो बोल्ट्स है वो टाइट हो रहे हैं, 5-6 बोल्ट्स आते हैं, ऊपर दो है, फिर पीछे भी है एंड नीचे भी है, तो अब एक एक करके सारे बोल्ट्स टाइट हो जाएंगे, फिर अपना इंजन का माउंटिंग कंप्लीट। उसके बाद इसका, इस कवर को क्या कहते हैं, हाफ चेन कवर जो होता है, यहाँ से कट के ऐसे रहता है, वो लग जाएगा जो कि अंदर रखा हुआ है सेफली। गाइस, इंजन के बोल्ट टाइट होने के बाद अब हम इसके जहाँ से ये सांस लेता और देता है, छोड़ता है, उसको फिट करा रहे हैं। साइलेंसर की बारी। उस्ताद जी, इसको डाल दीजिए इसमें। सर आप कुछ बोलिए, ठीक है, दो शब्द बोला कीजिएगा। मेरे को बोलने का आदत नहीं है, मेरे को काम करने का आदत है। अच्छा, बोलने का आदत नहीं। भाई सेवेज है हम लोग का मिस्त्री भाई। भाई अब इसका कार्बोरेटर लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल नया कार्बोरेटर, अभी जस्ट डब्बा से निकाले हम लोग। कार्बोरेटर का काम भी इधर से चल रहा है, इधर से चेन भी लग रहा है, नया चेन, बिल्कुल सुंदर सा चेन का भी फिटिंग आप सिनेमैटिक्स को देखो एंड कार्बोरेटर का भी। तो गाइस, इसका इंजन कवर लग गया है, इंजन का सारा काम कंप्लीट, इंजन इस पर बैठ गया है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद लग रहा है इसका चेन कवर, ये रहा इसका चेन कवर जो अभी हमने इससे निकाला, कल हम खरीद के लाए थे इसे। इसकी कलर भी बहुत सुंदर सी है एंड ये अच्छा लास्टिंग भी देगा हमें। तो चलो गाइस, इसे लगवाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या काम चला जाता है। तो गाइस, ये इसका ब्रेक स्विच का कनेक्शन है, जिसे ब्रेक प्रेस करने से पीछे का जो लाइट जलता है उसका इंडिकेशन ये देता है। ये रहा ये छोटा सा पार्ट जो यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, इसके साथ एक स्प्रिंग कनेक्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, वो स्प्रिंग कनेक्ट होने के बाद आप जब जब इसे प्रेस कीजिएगा वो पीछे का लाइट जलेगा। तो गाइस, ये इसका अब एक्सीलेटर केबल का काम हो रहा है, यहाँ पर इसका एक एक करके माउंट फिट होता जा रहा है। ये रहा एक्सीलेटर केबल वाला जो है भैया, एक्सीलेटर का जो घुमाने वाला चीज होता है वो लगा दिए हैं।
रनर जो होता है जिसको हम लोग ग्रिप भी कह सकते हैं। एक साइड के लिए इधर से लगेगी, नेक्स्ट साइड इधर। तो ऊपर का कवर लग जाएगा, देन ये रेडी है अपना काम करने का। तो भैया अब चालू हो गए हैं बिल्कुल अपना मैकेनिक वाला मोड में। ये हमारा पुराना जो स्पीडोमीटर है वो है, इसके जो सारे कनेक्शन है भैया अब नए वाले कवर में जोड़ रहे हैं। बहुत टेक्निक वाला काम है तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जैसे देखो इसमें यार चार पाँच लाइटें हैं, जिसमें कि न्यूट्रल का लाइट होता है, अपर का लाइट होता है, इंडिकेटर का लाइट होता है एंड और भी दो तीन चीज़ के लाइट होते हैं। तो वो सब वहाँ पे असेंबल कर रहे हैं भैया, तो अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अभी इनको आप काम करने देते हैं। तो गाइस फाइनली अब इसका मीटर फिट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे तीन माउंट है इसका, इसका भी रबड़ मिसिंग था बट भैया इसको बहुत परमानेंट जुगाड़ किए। ये तीन जो रबड़ है ये उससे भी बेस्ट है, जिससे ये जैसा ये रहता है उससे भी बेस्ट कनेक्शन हो गया ये, जिससे मीटर कहीं नहीं जा रहा है एंड चलते टाइम जो वाइब्रेशन होता है तो उसके वजह से ये हिलेगा भी नहीं। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमारा ये फुटपैक्स भी लग गए हैं, चारों फुटपैक्स लग गए, चेन कवर लग गए, इंजन पूरा माउंट हो गया, एयर फिल्टर का बॉक्स बैठ गया, कार्बोरेटर रेडी है एंड सामने का टायर रेडी है, उसके साथ एक्सीलेटर का सब फिटमेंट कनेक्ट हो गया है। एक्सीलेटर का जितना भी था सब कनेक्ट हो गया है, बाकी इस साइड का बचा हुआ है जिसमें स्विचेस वगैरह आते हैं। हेडलाइट लगाने के लिए जो माउंट लगता है वो भी हमने लगा दिया है। तो ओवरऑल तो सब कुछ हो ही गया है एंड वायर कनेक्शन भी आ गई है चारों तरफ। साइलेंसर बहुत अच्छी तरह से फिट हो गई है और काफ़ी सुंदर लग रही है। ब्रेक पैडल का काम डन हो गया चारों तरफ से, अभी ये ओके है। अभी ये सब भी कनेक्ट हो गया है, इंजन पाइप लग गया, ये रहा इसका, यहाँ से ये सांस लेगा एंड यहाँ से ये सांस छोड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक का पूरा कनेक्शन रेडी है। तो अब मिलते हैं पार्ट थ्री में, तब तक के लिए वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। होप करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा ये वीडियो देखने में एंड पार्ट थ्री के साथ जल्दी से जल्दी मिलेंगे। तो टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस आउट।